हेलो दोस्तों, नेहा केक कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं रसमलाई केक। देखो, रसमलाई केक को पूरी तरीके से रसमलाई के फ्लेवर से ऊपर से कोट कर देंगे, फिर बीच में क्रीम लगाई और उसके बाद इसकी स्टफिंग हमने जो कि छोटे छोटे रसमलाई से ऊपर से पूरी तरीके से इसको भर दिया है, और साथ में बहुत सारे चोको चिप्स भी इसमें डाल दिए हैं। रसमलाई के छोटे छोटे क्यूब अगर डालोगे तो वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा, और उसको पूरे केक में हमने फैला देना है। और उसके बाद फिर से जो रसमलाई का मिल्क होता है उससे ऊपर से कोट कर देंगे अच्छे से, और बीच में खूब सारी चोको चिप डाल देंगे जिसकी उसकी स्वीटनेस बराबर रहेगी। और उसके बाद इसको फिर एक और ब्रेड से ऊपर से हम ढक के फिर से इसको मिल्क से कोट कर देंगे। क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया, थोड़ा केसर मिक्स किया, और उसके बाद इसको हमने केक के ऊपर लेयर्ड आइसिंग आइसिंग कर दी है जो कि ऊपर से पूरी तरीके से फिल हो जाए। और फिल होने के बाद इसमें और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। उसके बाद इसके साइड में हमने क्रीम से फिर बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर भी टॉप में इसके चारों ओर से हमने बॉर्डर से घेर लिया, और इसका जो बीच का हिस्सा है इसको हमने रसमलाई से अच्छे से ढक दिया। रसमलाई केक बनाने के बाद इसमें ऊपर से हमने हल्का सा बादाम या कोई लोग पिस्ता भी डाल देते हैं, मैंने इसमें बादाम यूज़ किया, बादाम। और हमने इसमें ड्राइड रोज से इसको डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट करने के बाद इसको अच्छे से चारों तरफ से हमने फिल कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चाहिए किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।